हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन के अंदर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी करने वाले हैं और उसके अंदर जो कार्य प्रणाली है उनके बारे में हम बात करेंगे और जो बोर्ड है उनमें जो बने हुए उनके बारे में बात करेंगे। इनमें से हमारे आज तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और जो जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर वो भी मैं बताऊँगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों ये हमारी मैराथन क्लास 34 है और 45 दिन की मैराथन क्लास ले रहे हैं हम। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, अगर आपको पीछे की वीडियोस देखनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से वो आपको वीडियोस दिखेगी और वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पीछे की क्लासेज ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट निम्मी जी एंड ये देखिए ntauGCnet.co.in, ये देखो दोस्तों NTA मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ntauGCnet.co.in ये आप ध्यान में रखना दोस्तों, लास्ट में आपको .co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप .com या .in या कुछ और लिखोगे तो किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे, तो आप ये ध्यान में रखना ntauGCnet.co.in ये लिखना है अपने ब्राउजर में और उसके बाद में आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे देखिए एक तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 45 दिन 45 डेज UGC नेट मैराथन क्लास, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप ये मोबाइल से या PC से कैसे भी खोल सकते हैं। ये खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी वीडियोस दिख जाएगी। ये देखो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 1 दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये देखो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 थ्री यहाँ पे ये क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी जो वीडियो उनके थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास है कौन से नंबर की है और टॉपिक हमने लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे सारे सभी सभी यूनिट की हमने क्लासेस यहाँ पे दी हुई है, आप ये बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं। अगर किसी दोस्त का कोई टॉपिक रहा हुआ है तो बहुत से दोस्त हमसे पूछते हैं कि सर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड रहा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग रहा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे करके आपके पास में और वीडियो आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे फ्री में स्टडी नोट्स ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो ले सकते हैं और लाइव मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक और बोनस की चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट करंट अफेयर 2021 PDF। हाँ दोस्तों, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने हायर एजुकेशन के जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। और ये सारे के सारे अपडेटेड करंट अफेयर है दोस्तों, हमने अभी तैयार किए हैं। यहाँ नीचे से आप दोस्तों इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक जगह लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मिल जाएगा आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लेना, इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब हाँ ये रहा ये रहा ये रहा दोस्तों, देखिए डाउनलोड नाउ NTAUGC नेट करंट अफेयर PDF, ये यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है और वैसे लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज अब हम अपनी क्लास पे आते हैं। विश्वविद्यालय की रूपरेखा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस किस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी होती है और इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय हम किसे कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा से हमारा अभिप्राय केवल उस शिक्षा मात्र से नहीं है जो केवल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, अपितु इसका अभिप्राय उस शिक्षा से भी है जो विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालयों या कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि अगर किसी कॉलेज के अंदर कोई एजुकेशन दी जा रही है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा उसे कहा जाएगा, क्योंकि वो किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जिसका प्रबंधन उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पढ़ने की, और क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों विश्वविद्यालय की स्वायत्ता ऑटोनॉमी का मतलब क्या है। इसके अंदर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, ये पदोन्नति कर सकते हैं, उनको अपग्रेड कर सकते हैं, छात्रों के चयन में एवं अध्यापन के विषयों शिक्षण विधियों एवं अनुसंसाधन के विभिन्न विषयों के चयन में ये अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि पूरी छूट होती है इनको, ये अपने अनुसार सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों
विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर जिसे कहते हैं, राज्य का राजपाल होता है, राज्यपाल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे। विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का, राज्य जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनका कुलाधिपति यानी कि चांसलर कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वहां का उपराज्यपाल होता है। ये जो पैराग्राफ है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 बार हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं और 2020 में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व कुलपति वाइस चांसलर पे होता है। अब ये देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है चीज हमारे लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है। अगर किसी दोस्त ने ये क्वेश्चन देखा है ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में तो जरूर कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि हाँ सर मैंने ये देखा हुआ है, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसका जो वास्तविक दायित्व होता है, जो भी है लेन देन जो भी करना है, मीटिंग वगैरह जो भी है, सारी की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट वगैरह, वो सारे के सारे कौन करता है, वाइस चांसलर करता है, ना कि चांसलर। ठीक है, और चांसलर कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, और दिल्ली में कौन होता है, उपराज्यपाल वहां का चांसलर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए। वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रशासन प्रबंधों का दायित्व संभालता है तथा इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल या कुलाधिपति को देता है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों इसके अंदर। और इसके साथ साथ दोस्तों आगे हम बात करते हैं राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटी, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, ये चीज हमने पढ़ी ली दोस्तों। प्रत्येक वर्ष वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालन एवं प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है, यानी कि वो उसमें विजिट करता है, देखता है कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये देखो, वाइस चांसलर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि चांसलर के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों ये आपके लिए, ध्यान में रखना। और मैं पहले बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में गलत कर दिया ना तो मुक्का मारूंगा खींच के तुम्हारी पीठ पे, पीठ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी आगे ना समझ में। एग्जाम में गलत नहीं हो जाने चाहिए, मैं आपको ये बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत बार। ठीक है, बहुत तोड़ूंगा मैं तुम्हें अगर ये गलत कर दिया तो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सामान्यतः विश्वविद्यालय में 2 मुख्य संस्थाएं होती है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो मुख्य 2 संस्थाएं हैं, बहुत बार एग्जाम आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, और जिन भी दोस्तों ने ये क्वेश्चन देखे वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना हमें, ताकि हमें पता चले कि आप दोस्त कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीनेट या कोर्ट की बात करते हैं। इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक, पंजीकृत स्नातक इत्यादि। कुछ सरकारी विभागों के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार एवं कुलाधिपति द्वारा भी इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह संस्थान विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करती है तथा बजट आदि की व्यवस्था करती है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। ये क्या करते हैं, सीनेट या कोर्ट क्या करते हैं, ये नीति निर्धारण रूल रेगुलेशन डिसाइड करती है क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो बजट है, बजट के बारे में भी यही देखता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। विश्वविद्यालय के प्रशासन में यह संस्था नियामक या धुरी की भूमिका का निर्वहन करती है। यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति कोष एवं उसके प्रतिवेदन के प्रशासन का संचालन करती है। यह एक लघु निकाय है, ये क्या ये लघु निकाय माना जाता है इसको। ठीक है, इसमें सामान्यतः निम्न लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। कौन कौन है इसमें, निम्न लोग लिखे हो क्या, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज थी वो और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक है एकेडमिक काउंसिल है हमारी, वो भी बताते हैं आपको। एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी एकेडमी से रिलेटेड जो भी हमारे लेन देन होते हैं वो हमारे किसके अंदर होते हैं, एकेडमिक काउंसिल के अंदर होते हैं। जैसे कि क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा का सारा एकेडमिक जो देखा जाता है वो किस में होता है, एकेडमिक काउंसिल के अंदर वो देखा जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आए हैं और वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, चलिए
और एक मिनट में पहले देख लेता हूँ उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं या अलग से हैं। जी अलग से हैं, वो क्वेश्चन अलग से है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रुको अलग से दिखाएंगे वो क्वेश्चन आपको, इसमें नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है वो। अच्छा चलो भाई आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कितनी तरह की यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर। नंबर एक पे हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मेटा यूनिवर्सिटी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी है, ये है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर हमने दोस्तों पीछे की वीडियो है वो वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है ये हायर एजुकेशन का करंट अफेयर कि कितनी फेक यूनिवर्सिटी है क्या है। फिर भी अगर आप इसमें एक बार फिर से देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी 429 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 125 है, ये सारी की सारी आप देख लेना और वो वहाँ से आपको करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वीडियो भी आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें करवाई है, उस वीडियो में आप देख लेना भाई, ये जो होती है ना हमारी यूनिवर्सिटी अंडर 12वीं, ये क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये चीज़ मैंने आपको उसमें करवाई हुई है, वो आप देख लेना। और अभी इसमें हम करते हैं कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी तरह की होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है, यह सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के अंतर्गत आते हैं। इन यूनिवर्सिटियों को सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होते हैं ना दोस्तों उसको सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है और उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल की क्वालिटी उसके अंदर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटी, उनको फंड दिया जाता है, वहाँ पे फैकल्टी होते हैं वो काफ़ी अच्छी होते हैं और उनके अंदर जो कोर्सेज वगैरह चलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, स्टैंडर्ड वहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है काफ़ी। यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं भी होती है, बेहतरीन सुविधाएं होती है। और 18/6/2021 के अनुसार भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इन इन विश्वविद्यालयों को ज्यादा वित्तीय सहायता मिलती है इसके लिए, इसलिए इनमें दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षाएं सुविधाएं भी बेहतर होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। गोवा और, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, गोवा और आंध्र प्रदेश के सिवाय भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालयों के, दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पे आता है जिसके अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें से एक बार क्वेश्चन आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे नए केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से बने हैं, केंद्रीय बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीराम दास विश्वविद्यालय, ये आप सारे के सारे पढ़ लेना, अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। और ये जो नोट्स है आपको हमारी ऐप निमिज नेट में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है दोस्तों, ये राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य विधान द्वारा पारित एक्ट के तहत किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी राज्य विश्वविद्यालय, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों, ये अगर किसी को याद है तो आप मेरे को बता देना, बताना ये क्वेश्चन आया था हमारा एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी पुराना विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसा हमारा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 1800 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं बना था, 1854 आई थिंक, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था हमारा, तो उसमें ये तीनों यूनिवर्सिटियों के नाम दिए गए थे और एक जो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी थी वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी दी हुई थी, तो वो जो ऑप्शन था वो रॉन्ग ऑप्शन था, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर से देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है देश की, ठीक है। और अभी हम बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय हमारे देश में कितने हैं, 429 स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2017 में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और बाद में भी कई क्वेश्चन इसमें से आए हैं। और एक तो इसमें अभी 2020 में क्वेश्चन आया है, 2020 में क्वेश्चन ये आया है कि इसके लिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल प्रत्येक जो वहाँ पे फैकल्टी है उसको
रिसर्च पेपर पब्लिश करने जरूरी है, एक तो स्कोपस के अंदर और दो आई थिंक नॉर्मल जर्नल के अंदर पब्लिश करने, ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी हमने किया है पीछे, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और अभी हम बात करते हैं डिम टू वी यूनिवर्सिटी क्या होती है। भारत में उन उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय कहते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है, यानी कि ऐसे हायर इंस्टीट्यूट जिनको यूजीसी की सलाह पर भारत सरकार के उच्च विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त दी जाती है। जिन संस्थाओं को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है, वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर और विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानित विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान होते हैं, ये किसी फील्ड के अंदर काफी हाई लेवल पे काम करते हैं, तो उनको ये मान्यता दी जाती है, और इनको भी फिर काफी तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। जी, इसमें हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की वेबसाइट में भी दिए गए विवरण के अनुसार, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त किसी भी विशेष स्टडी एरिया में जो बहुत ऊंचे मानदंड या स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है, उसको यूजीसी की सलाह पर उसको हम क्या है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं, उन्हें किसी यूनिवर्सिटी को मिलने वाले एकेडमिक स्टेटस और सभी फैकल्टीज प्राप्त होती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस स्टेटस हासिल होता है या नहीं होता। स्वायत्ता यानी ऑटोनोमस स्टेटस का मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स सिलेबस खुद डिजाइन कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, इनको भी ऑटोनोमस स्टेटस मिलता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हमने पहले क्या पढ़ा था, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी है वो क्या होते हैं ऑटोनोमस बॉडी होती है, और ये डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है ये भी हमारी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, ये खुद अपना सिलेबस और कोर्स डिजाइन कर सकती है। इसके साथ साथ यह अपने एडमिशन और फीस से संबंधित नियम भी बना सकती है। कई सम विश्वविद्यालय उनके अपने नाम के तहत डिग्री प्रदान करने की अनुमति भी देते हैं, और 18/6/2021 के अनुसार 125 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर, इसमें यहाँ पे कुछ संस्थाओं के यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के नाम दिए, यहाँ पे अगर आप ये देखना चाहें तो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेटा विश्वविद्यालय की, बात करते हैं ये क्या है। मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम को साझा करना है, यानी कि कोलैबोरेट करना है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनको कोलैबोरेट करना, एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में। उच्च शैक्षिक संस्थानों के शैक्षिक मामलों में दखल नहीं देती है। मेटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और क्षेत्रों की पहचान करने तथा आपस में सहयोग करने का निर्णय संस्थानों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं जी, मेटा विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा दी जाएगी। शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बगैर दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने, नवीन प्रतिक्रियाओं का लाभ उठाने तथा इसमें उपलब्ध लचीलेपन से मेटा विश्वविद्यालय दूसरी पीढ़ी के विश्वविद्यालय दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें दूर रह के शिक्षा कर सकते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी होती है इसके अंदर, तो इसलिए इनको दूसरी पीढ़ी के विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें और भी पढ़ना चाहो तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से आज तक एक ही क्वेश्चन इसमें से आया होगा, ज़्यादा मैंने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं देखे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, बात करते हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटी की स्थापना किसी प्राइवेट संस्थान या स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। इन निजी विश्वविद्यालयों को UGC से मान्यता प्राप्त लेनी होती है, ठीक है, UGC से मान्यता प्राप्त लेनी होती है। UGC मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री देने में सक्षम होती है, लेकिन ऑफ कैंपस संबंधित कॉलेज नहीं खोल सकती ये, ठीक है, ये डिग्री तो दे सकती है बट कॉलेज ये ओपन नहीं कर सकती। और अभी 18/6/2021 के अनुसार 380 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की, बात करते हैं। ये एफिलिएटिंग जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जो एक यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई होती है, एफिलिएट की हुई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। आगे दोस्तों फेडरल यूनिवर्सिटी,
इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उनका संविधायिक महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, जो महाविद्यालय होते हैं उनके स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। एक कोलिजिएट विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कार्यों को एक केंद्रीय प्रशासन और कई संगठन कॉलेजों को के बीच में विभाजित किया जाता है। ठीक है, भारत में इस तरह के कई विश्वविद्यालय, ये देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, इसको जो फेडरल यूनिवर्सिटी, इसको कोलिजिएट विश्वविद्यालय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्यों को एक केंद्रीय प्रशासन और कई संगठक कॉलेजों के बीच विभाजित किया जाता है। एकात्मक विश्वविद्यालय, यूनिटरी यूनिवर्सिटीज, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों पर पूर्ण अधिकार होता है, तथा इन महाविद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी ये स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी हुई है ना, ये हमने करंट अफेयर में करवाई हुई है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो करंट अफेयर की जो वीडियो है वो आप देख लेना, और आपको हमारी वेबसाइट पे भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलो एक काम करते हैं, ये अभी करें क्या, ये टॉपिक चलो कर लेते हैं, ये टॉपिक भी हम कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में देखते हैं। अभी तक तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया था 2020 में, क्या पता 2021 एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई थी। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का 6% भाग खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देश में सबसे पहली शिक्षा नीति, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया भाई, ये हमारा एग्जाम में आया है, 2020 एग्जाम में आया है। ठीक है, देश की सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई, आया अगस्त गलत लिखा हुआ है, 29 जुलाई को MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया था। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी इसके संबंध में कोई तिथि अभी तक निर्धारित नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी इसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, इसका रेजुलेशन निकाला गया है, इसका ड्राफ्ट निकाला गया है, अभी इसके ऊपर बात हो रही है कि भी क्या क्या होना चाहिए, क्या है। ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मसौदा है किसने तैयार किया है। ठीक है, अच्छा, आइए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर, ये देखो ये चीज़ तो हमने की थी, 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, और अभी कितना है, 4.43% है अभी। अब 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी, ये चीज़ भी हमने की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अंत रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। लॉ और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, लॉ और मेडिकल को छोड़ के और सभी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। ठीक है, 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से इंटर्नशिप करवाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय टेक्निकल फॉर्म का स्थापना किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। NETF, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। वर्ष 2023 तक उच्च शिक्षा में फीसल
फीसद सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में कितना था, 26.3% था। इसका लक्ष्य 50% रखा गया। ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है, यहीं से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो एक बार इनको आप जरूर 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 देख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। अभी तक की ये बात चल रही है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के अनुसार क्या है कि वो अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको क्या है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 या 4 साल के बाद अगर वो अपनी स्टडी छोड़ता है तो फिर उसे क्या है कि डिग्री मिल जाएगी, फिर तो पूरी कंप्लीट ही हो जाएगी उसकी उसकी स्टडी, है ना। इससे देश के ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी हमारे लिए एक पहल की गई है। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स में से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इससे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है, ठीक है। कोई बच्चा मान लो BSc कर रहा है फर्स्ट ईयर की उसने, और फिर छोड़ दी, उसने ले लिया BA में एडमिशन, तो वो कुछ समय बाद में दोबारा से BSc में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे, सभी के लिए एक जैसे नियम होंगे। अच्छा, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई दोस्तों इसमें। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर भारत में भी क्या स्थापित किया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। एक तो दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रट्टा मारो, इंजेक्शन लगवाओ, भभूति चाटो, कुछ भी करो, बस याद करो, आपको याद होनी चाहिए। झाड़ा लगवा लो यार किसी बाबा से, बाबा कहते हैं ना, बहुत कहते हैं ना बाबा कि बेटा माता के मंदिर में जा, वहां पे धोखों लगा के या पेपर पास हो जाए, तो उसको कहो कि बाबा ये मेरे को फुल फॉर्म याद करवा दे बस, ठीक है। हाँ, सारे के सारे मेन पॉइंट उनसे याद करवा लो भाई। बाबा बूबा से यार कुछ नहीं होता। मेरे पास भी फोन आया था अभी 2 दिन पहले, बोला बेटा सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे पास आ, क्या करें, चलो जो भी है, हर जगह ऐसे मिलते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, सभी धर्म में ऐसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई कम नहीं है, खराब लोग सभी जगह मिलते हैं। चलो यार मैं कहाँ चला गया, चलो अपनी स्टडी पे आते हैं, ठीक है। तो NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृतियों को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा, बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी ये करेगा, ठीक है। तो ये थे भारत की शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अच्छा, एक और चीज़ और जो रहेगी वो और हम देखते हैं दोस्तों, काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कुछ सुधार दिए हैं, वो क्या क्या दिए हैं। 10+2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब नई संरचना होगी, वो क्या होगी, 5+3+3+4 होगी, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा, नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5वीं तक यह प्री स्कूल होगा, 5वीं तक, ठीक है। 6 से लेके 8वीं तक मिडिल स्कूल होगा और 8 से लेके 11 तक हाई स्कूल होगा, जबकि 12वीं से आगे की पढ़ाई क्या कहलाएगी, ग्रेजुएशन कहलाएगी भैया, ठीक है। अब 12वीं में कोई बच्चा आ गया ना, वो ग्रेजुएट माना जाएगा, ग्रेजुएट की पढ़ाई उसकी मानी जाएगी, ठीक है जी। 6वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक, ये चीज हमने कर ली है, ठीक है, व्यावसायिक कोर्स वो चुन सकता है। सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर विषयों का प्रावधान होगा। रट्टा लगाने के बजाय छात्रों के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि 5वीं कक्षा तक से ये हमने पढ़ ली मातृभाषा उनकी होगी। त्रिभाषिक फार्मूला लागू होगा, उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा। राज्य अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए और उन पर कुछ किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में छात्रों के अकादमिक मार्क्स के स्थान पर छात्रों की कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट होगी उसके अंदर, कि उसको कितनी स्किल है, कितनी उसमें एबिलिटी है, वो सारी चीजें भी उसमें होगी, केवल मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है।
राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। पाठ्यक्रम के शैक्षणिक संरचना में बड़े बदलाव के बजाय संकाय में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। व्यावसायिक तथा शैक्षिक और पाठ्यक्रम संबंधी तथा पाठ्योत्तर के बीच सभी तरह की बाधाओं को दूर किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। तो इसमें दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और इसका लिंक भी दोस्तों, ये भी आपको हमारी वेबसाइट जो NTA UGC NET, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो ये हमारी वेबसाइट है NTAUGCNET.co.in, ठीक है। ये आप याद रखना भाई, .co.in है, NTAUGCNET, NTAUGCNET.co.in, ठीक है। यहाँ पे आप ये नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नोट्स है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर, ये मैंने बता ही दिया करंट अफेयर है, इसके साथ साथ 45 डेज मैराथन क्लास आप यहाँ पे क्लिक करके ये ले सकते हैं। और वैसे इसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ये देख लेना, ठीक है। या फिर गूगल में जाके मैंने आपको तरीका बताया, ये NTAUGCNET.co.in आप सर्च करना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अच्छा एक चीज़ और, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको पेपर सेकंड की भी वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के 80 के 80 सब्जेक्ट, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पाली हो, कॉमर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए NTAUGCNET फ्री कोर्स फॉर ऑल पेपर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो अडल्ट एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, अरेबिक स्टडी, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको इंडिया में ऐसा कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा जैसे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, मीन्स कि अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाके भी आप हमें बता सकते हैं, कि अगर आपको कोई नोट्स लेने हैं या फिर आपको वीडियोस लेने, कुछ भी लेना, तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं अपना नाम, अपना ईमेल और अपना जो भी मैसेज है वो आप हमें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।